गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा था, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया और सबने एक ही बात कही कि बीजेपी अब की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में जब चुनाव परिणाम सामने आना शुरू हुए तो बीजेपी इतिहास बनाते हुए नजर आई। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी गुजरात में बंपर जीत हासिल करने की ओर दिख रही है और बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वाली सीट भी शानदार तरीके से फिलहाल जीत ली है और घाट लोडिया से चुनाव लड़ रहे मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल शानदार तरीके से जीत चुके हैं। वो भारी मतों से लगातार आगे चल रहे थे और आखिरकार में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। ये सीट पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र के रिकॉर्ड को भूपेंद्र तोड़े और चुनाव परिणाम यही कह रहे हैं कि भूपेंद्र ने नरेंद्र के सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। वहीं अमित शाह भी इस सीट पर जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो उन्होंने भूपेंद्र भाई पटेल के लिए वोट मांगा था और घाट लोढ़िया की जनता से अपील की थी कि प्रचंड जीत दर्ज कराएं बीजेपी को और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को। दोनों नेताओं की अपील का असर दिखा और भूपेंद्र भाई पटेल यहां पर शानदार तरीके से जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परचम लहरा रही है गुजरात में और लगभग 150 से ज्यादा सीटें जीतते हुए बीजेपी यहां पर दिख रही है। आपको बता दें कि घाट लोढ़िया विधानसभा सीट की खास बात यह है कि अब तक 2012 और 2017 में दो बार विधानसभा चुनाव हुए और दोनों बार यहां से गुजरात को सीएम मिले। यह तीसरी बार है जब भूपेंद्र पटेल जीत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2012 के गुजरात चुनाव में बीजेपी के आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार रमेश भाई पटेल को 1,10,000 वोटों के अंतर से हराया था और बाद में वो गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद 2017 में भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार शशिकांत भूराभाई को 1,17,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था और बीजेपी के लिए उन्होंने सीट जीती थी। उन्हें राज्य का बाद में मुख्यमंत्री भी बनाया गया। घाट लोढ़िया में 2015 पाटीदार आंदोलन का बड़ा असर था, इसके बावजूद भूपेंद्र पटेल चुनाव यहां पर जीत चुके हैं और उन्होंने शानदार तरीके से 2017 में भी यहां पर जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल के खिलाफ कांग्रेस के अमी याग्निक और आम आदमी पार्टी के विजय पटेल चुनाव लड़ रहे थे। फिलहाल यहां पर जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बूस्टर है और शानदार तरीके से यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि भूपेंद्र भाई पटेल ने 1,58,444 वोट हासिल किए और उनके बाद कोई भी के आसपास नजर नहीं आया और कांग्रेस के अमीक याग्निक 16,839 वोट पर ही सिमट गए। लगभग 1,42,000 वोटों से भूपेंद्र भाई पटेल यहां से जीतते हुए नजर आए और ये प्रचंड जीत बीजेपी के लिए शानदार तरीके से सत्ता में वापसी के संकेत हैं और 150 सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण यहां पर याद आ रहा था जब वो कह रहे थे कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड को भूपेंद्र तोड़े। कुछ इस तरीके से गुजरात की जनता बीजेपी का साथ दे और नरेंद्र मोदी की बात मानकर गुजरात की जनता ने बीजेपी का सर आंखों पर बिठाया और शानदार तरीके से यहां पर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है और गुजरात में एक बार फिर से भगवा बुलंद हुआ है और सत्ता में लौटते ही एक बार फिर से वो बात नरेंद्र मोदी की सच साबित हो उठी जो उन्होंने जनता से की थी जब उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र भाई पटेल को बड़े अंतर से जीत दिलाएगा। फिलहाल भूपेंद्र भाई पटेल की शानदार जीत और गुजरात में बीजेपी की वापसी पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।